मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं अभिभाषण के लिए। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती एन क्लाई सेल्वी जी, इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी, प्रोफेसर अजय तनेजा जी, सम्मानित मंच, इस मंच के समक्ष उपस्थित आगरा के लोकप्रिय सांसद, कर्मशील सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, शिक्षा परिषद, कार्य परिषद और विद्या परिषद इसके सम्मानित सदस्यगण, शिक्षकगण, उन बच्चों के माता पिता जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं और खास तौर से उनके शिक्षकगण और माता पिताओं को, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इन बच्चों को एक मुकाम हासिल कराने में मदद की और बच्चों ने स्वयं अपनी परिश्रम से, मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो। कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन एक शायर ने कहा है कि यह कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी जोश जवानी एक बार लौटाए तो। लेकिन शायर शायद वो जब लिख रहा होगा तो कभी किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया होगा या किसी महाविद्यालय में लौट के नहीं गया होगा, आता तो उसकी जोश जवानी वापस आ जाती। मैं इस विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आया हूं, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए हैं, यहीं का छात्र रहा, यहीं संघर्ष किया, उसके बाद आप सबके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा। तो ये सब आप लोगों का कृतित्व है और व्यक्तित्व है कि हम कहां तक पहुंचे और कौन सा मुकाम हासिल करें। आप सब लोग किसी ना किसी क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, ऐसा आपकी माननीय कुलपति जी ने भी आशा प्रकट की है और आपको आशीर्वाद दिया है, ऐसा मैं भी सोचता हूं। लेकिन एक ऑडियंस से शिकायत है, जब स्वर्ण पदक हासिल हो रहा था तो तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हो रही थी। अरे हमें तो मिट्टी का पदक नहीं मिला कभी, ये स्वर्ण पदक हासिल किए हुए हैं, एक बार सब लोग उन सब के लिए जोरदार ताली बजाएं। मित्रों, एक बात और मुझे पुराने जो अपना समय याद आया तो यहां उसका अंतर देखा। हम जब डिग्री लेने आए थे तो एक काला सा चोगा, एक टोपा पहना था, उससे अपनी माटी की गंध नहीं समझ में आती थी, नई सुगंध नहीं लगती थी उसमें। और आज जो उत्तरी और अपने भारतीय वेशभूषा में है, उसमें मां अपनी चिति, प्रकृति, रीति, नीति
प्रकट होती है, उसकी खुशबू आती है। यह परिवर्तन कैसे आया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा मात्र डिग्री प्राप्त करना नहीं। और दुर्भाग्य से हम लोगों को जो शिक्षा मिलती रही, लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति से मिलती रही, जिसने ये अपने पिता को कहा था कि मैं हिंदुस्तान में ऐसा करके आया हूं कि आने वाली नस्लें काले अंग्रेज पैदा होंगे। लेकिन विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो संस्कार दे, चरित्र बनाए, व्यक्ति का निर्माण करे। शिक्षा वो होनी चाहिए जो स्वावलंबी बनाए। शिक्षा जो एनईपी हमारे मोदी जी ने दी है वो उसी आधार पर दी है। शिक्षा को यदि एनईपी के मूल बिंदु बात करूं, जिसके ये न्यूक्लियस है शिक्षा एनईपी का, जिसकी सर्कमफ्रेंस में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनते हैं, बनाए जा रहे हैं या बनेंगे, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। तो आज ये जो कुछ हम देख रहे हैं परिवर्तन, ये संस्कार से जोड़ने वाली प्रक्रिया है। और पूरे देश में जो एनईपी लागू की है हमारे नेता मोदी जी ने, और किस समय लागू की आप सोचिए जरा, 2020, पूरा विश्व एक कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा था, और वह भी दुनिया के सबसे बड़े देश जो ये 150 करोड़ की आबादी का देश है, उसकी व्यवस्था में, उसके मैनेजमेंट में लगे थे। कोई कह नहीं सकता कि उस 150 करोड़ के देश में एक भी व्यक्ति भूखा सोया हो। यह दिया है मेरे नेता ने, डिजास्टर में मैनेजमेंट का मास्टर है मेरा नेता। और उस समय उन्होंने शिक्षा नीति दी थी, शिक्षा मानव बनाए, मानवता से जोड़े, मात्र डिग्री हासिल करने का पहलू ना बने, ये आप सबको भी सोचना होगा। हमारी महामहिम बहुत संवेदनशील बिंदुओं को इन्होंने छुआ है शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षण संस्थाओं को जोड़ा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े मैसेज देना, इसके महारत हासिल है उनको। ये आंगनबाड़ी के बच्चों की चिंता करना, वहां से शिक्षण संस्थाओं को जोड़ना, शिक्षा के से जुड़े हुए लोगों को जोड़ना, ये मानवता के प्रति उनके दर्द को और उनकी तड़प को, उनके काम करने की शैली को दर्शाता है। बच्चों के लिए क्या कर सकता है समाज, यह देखा। उस क्षेत्र के जो रोजगार हैं उनसे शिक्षण संस्थाएं कैसे जुड़े, उस व्यवस्था को समझाना और बताना। और किस तरह से अपने काम को अंजाम देना, कोई उनसे सीखे। कहते हैं ना, राष्ट्रभक्ति क्या है, तो यदि दो पंक्तियों में बताया जाए कि जो समाज ने हमें जिम्मेदारी दी है या समाज से हमने कोई जिम्मेदारी ली है, उसका ईमानदारी से, परिश्रम से, लगन से अंजाम दें, यही राष्ट्रभक्ति है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा कहां थी इनके आने से पहले, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, क्या स्थिति थी? एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का A+ या A++ की नेक रैंकिंग में नहीं था। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश
सबसे बड़ी संख्या वाला प्रदेश है जो श्रेणी नेक रैंकिंग के ए और ए प्लस ए डबल प्लस श्रेणी में है।